गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चों का स्वागत है मैथ्स विद गौरव सर में। और हम बात कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन में, फ्रैक्शन में। अगली बात करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन सम ऑफ फ्रैक्शन की। आज किसकी बात करने वाले हैं? सिंप्लीफिकेशन में सम ऑफ फ्रैक्शन की। आप थोड़ा सोचो कि यदि कोई क्वेश्चन इस तरह से बन के आ जाए जिसको जोड़ना मुश्किल हो जाए। देखते हैं, एक क्वेश्चन लिया 99 991/999 × 999। ये है क्वेश्चन। क्या इसको आप कर सकते हो? सम ऑफ फ्रैक्शन से लड़के कंफ्यूज हो रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन ही। जैसे एक क्वेश्चन आ जाए 99 = 1/5, 99 = 2/5, 99 = 3/5 और 99 = 4/5। इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताएं, जितने लोग को आता है। बाकी लोग इस क्वेश्चन पे फोकस करें, इस क्वेश्चन पे फोकस करें कि इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा। चलो इसको बाद में बता दूंगा, आप तब तक सम ऑफ कर लो। नहीं तो फिर ये दिमाग में आता कि यदि सम ऑफ है तो इसमें ये क्यों लिख दिया इन्होंने। वो भी एक सम ऑफ ही है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। देखिए, अच्छा आराम से क्या होगा, 99 = 1/5, 99 = 2/5, 99 = 3/5 और 99 = 4/5। वॉट विल बी द आंसर? बहुत अच्छे से देखो, बहुत दिल से समझने वाली बात है बच्चों। यदि मैं 99 की बात करता हूँ तो 99 का क्या मतलब है बताइए? 99 का क्या मतलब है? 99 का सीधा मतलब है 100 में 1 कम। 999 का क्या मतलब होता है? 999 का मतलब है 1000 में 1 कम। अरे सर ये तो मैं पता था। चलो ये पता था, अगली बात पता करते हैं कि 99 = 1/5 है तो जो ये वाला पोर्शन है क्या इसे आप प्लस करके लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं 99 फिर प्लस। अब ये सब चीज़ें बार बार लिखने की नहीं होती हैं आपको, यदि समझ लेते हैं आप इस चीज़ को ओरली तो ये सब इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको, ये ओरली समझना चाहिए। ठीक है, चलिए समझा रहा हूँ, फिर आखिरी में ट्रिक बताऊंगा आपको। लास्ट तक जरूर वीडियो को देखा करें, बहुत मस्त होकर के, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 99 क्या मतलब है? 99 का मतलब है 100 में 1 कम। 99 का क्या मतलब है? 100 में 1 कम। इस 99 का भी मतलब 100 में 1 कम। इस 99 का भी मतलब 100 में 1 कम और इस 99 का भी मतलब 100 में 1 कम। बताओ कितने 100 हो गए? 100, 100, 100, 100, 400, 4 कम। तो सीधा लिखो ना सर, 400 में 4 कम। 4 बार था, 999 का मतलब 400 हो गया। कितना कम करने है? 4 बार कम करना है, 400 में 4 कम। प्लस यदि 5, सबके बटे में 5 है तो 5 ही तो लिखोगे, ऊपर वाला अंश जुड़ जाएगा सीधे जा करके और लड़का जोड़ लेगा 4 3 7 2 9 1 10, 10 आधा कितना आएगा? 5। तो इसको सॉल्व करके आएगा 2। और यदि हम बात करें तो 400 में 2 कम मतलब 398। लड़के को चाहिए ट्रिक, जरा ध्यान दो, जब कोई सीरीज ऐसे चले कि जो यहां पर नंबर लिखा उससे ऊपर एक कम हो और यहां पर जितने 9 हो, तो तरीका ये होता है, ये क्या लिखा है? 4। लड़के को लिख देना चाहिए 4। 2 9 का मतलब क्या होगा? 2 0। 2 9 का मतलब क्या होगा? 2 0। और 4 का आधा कितना? 2। 400 में 2 घटा दीजिए, क्या आंसर आ जाएगा? 398 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं चीज़ों को और बड़े आराम से कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 400 में 2 घटाया, कितना आंसर आ गया? 398, यही आंसर आ जाता है। दूसरा देखें, 999 = 1/7, एक और देख लीजिए, 999 = 2/7, डैश डैश करके 999 = 6/7। आज की डेट में बहुत इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जितने भी छोटे एग्जाम्स हो, जैसे कि LDC हो गया, एयरफोर्स हो गया, इन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के लिए आ जाता है और बच्चे इसमें टाइम वेस्ट कर देते क्योंकि सरल होता देखने में बट इट टेक्स टू मच टाइम। तो देखिए बिल्कुल आराम से और ये ट्रिक देख करके आप सीख सकते हैं कि कैसे आसानी से किया जा सकता है। ठीक है ना, चलिए देखिए जल्दी से, ये क्या लिखा हुआ है? 6 आपने लिख दिया, 6 1 2 3, कितनी 9 है? 3 9, तो कितने 0 लगा देंगे? 3 0 माइनस 6 का आधा कितना बेटे? 3। बस ट्रिक समझ में आ गया, 997 आंसर हो गया आपका।
तो बहुत आसानी से ये बात समझनी है। और वैसे यदि समझना चाहो ये जरूर देख लो कि अंतर एक का है या नहीं है। सात में एक घटेगा तभी आएगा छः। ये बात कैसे हुई? 999 का मतलब हजार में एक कम, इस 999 का मतलब हजार में एक कम, तो हजार फिर हो गया 2000 में दो कम, 3000 में तीन कम और 6000 में छः कम, और 6000 में छः कम और इसको जोड़ा, अब यही तो होगा 6000 में छः कम और इसको जोड़ेंगे। अब एक से लेके छः तक जोड़ना है तो क्या होगा 6 7/2, मतलब क्या कहना है n n+1/2। जिन्होंने नहीं देखा पिछले वीडियो जरूर जाके देखें। एक से लेके छः तक जोड़ना है तो 6 6 में एक बड़ा 7 और 7/2, 6 7 42 का आधा कितना होगा 21 और 7 से कट करेंगे तो 3, तो ओवरऑल ये आएगा। तो ओवरऑल क्या हुआ? -3 ही तो हुआ। तो आप लोग यदि उससे भी करोगे तो वो एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी और दैट टेक्स टाइम, आप आराम से इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सब बहुत आसान से क्वेश्चन बन जाते हैं। अब किसी ने 4 बार 9 ले लिया, घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। 4 बार 9 लिया, 1/11, 4 बार 9 लिया, 2/11, 4 बार 9 लिया, 3/11, और ऐसे करते करते कहाँ तक पहुँच गया? 4 बार 9 लिया और पहुँच गया 10/11। ध्यान देने वाली बात है, आंसर लोग डायरेक्ट कर लेंगे। कितनी बार तक जा रहा है? 10। कितने 9 हैं? 4। तो कितने 0 बढ़ जाएंगे? 4। बोलो क्लियर हो गई इतनी बार। 10 का आधा कितना? सीधा घट गया, क्या आएगा? 99 5, ठीक है आ जाएगा ना आराम से। तो इसको करना इतना सिंप्लीफाई करके आसानी से किया जा सकता है, और यही चीज़ आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाएगा यदि आप एग्ज़ाम सेंटर पे जा करके इतनी जल्दी से ट्रिक लगा लेते हैं। अदरवाइज़ यदि इसको ओपन किया, इसका एलसीएम लिया, तो मुझे नहीं लगता कि आप ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के पूरे आवर्स में भी कर सकते हैं। आप पूरे 1 घंटे में भी ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तो जो आपके दुख का कारण बन जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग घर में बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं आप इनको अडॉप्ट करके अपने एग्ज़ाम्स को ईजी बना सकते हैं और सफल हो सकते हैं। देखिए क्वेश्चन हमने सबसे पहले लिखा था जिसको मैंने रफ कर दिया था, उसको जरूर देख लीजिएगा। इसको यदि आप चाहें तो नोट करा दूं मैं, और यदि आपने नोट कर लिया तो सो गुड, ठीक है ना। जरूर बताया करें कि नोट करने का टाइम तो मिल ही रहा है वैसे, ठीक है ना, और वीडियो को रोक करके नोट कर लिया करें। चलिए एक अगली बात जो सीखनी है वो क्या है वो जरा सीखते हैं, और बहुत आराम से। अगली बात ये है कि यदि कभी भी कोई कंपाउंड लिख के आ जाता है, जैसे अभी मैंने लिख रहा था 999 991 999, लोगों को बहुत झगड़ा है इस क्वेश्चन को लेकर के, लोगों के दिमाग में कम चढ़ता है। अब मैं आपको बहुत आसानी से बता सकता हूँ कि इस 99 का क्या मतलब है, इस 99 का क्या मतलब, इस 99 का मतलब है 100 में 1 कम। बोलो यही तो मतलब है। और चूंकि सही बटे वाली जगह प्लस करके लिखी जा सकती, मैंने अभी बताया था 991/999 इतनी बार, और जो बाहर का इंटू है उसे कायदे से इंटू इस तरह से लगा दे ताकि हमको दिक्कत ना हो। बोलो भाई अब आप समझ के बताओ जरा, 999 में 1 घटाएंगे कितना आएगा? 991 घट के कितना आएगा? अंतर कितने का है? 8 का। बटे में कितना? 999, मतलब इतने से फ्रैक्शन को सॉल्व करिए, इतने हिस्से को, और बड़ा आसान है सर। इनका इनका अंतर कितने का है? 8 का, वो लिख दिया ऐसी। और इंटू क्या कराना है? बाहर क्या लिखा हुआ है? 999। यदि बाहर ये लिखा हुआ आप इंटू कराएंगे तो क्या आ जाएगा? 9900 माइनस 999 से 999 क्या हो जाएगा? अंदर जब आएगा तो कट जाएगा, क्या आएगा? केवल 8 सीधा 892। अब यहाँ से डायरेक्ट लोग करते हैं, कहते हैं ये 3 बार 9 था, सीधे यही नोट करो, ट्रिक बता रहा हूँ। 2 0 है, 2 0 नोट करो, माइनस इनका अंतर कितने का है? 8 का है, वो नोट करो। 999 से पूरा कट रहा है तो ठीक, अब पूरा कट गया इसलिए 1, तो घटेगा तो क्या आएगा? 99892। ये ट्रिक है, फिर से देख लें। ये तीनों नोट कर लेते हैं, ये तीनों आपको 0 देते हैं, और आराम से 1 सेकेंड में आंसर कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? एक और देखते हैं, एक छोटा सा ले लेते हैं। अब ये कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए यहाँ पर 1 9 बढ़ा लेते हैं, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। क्या नोट करेंगे? दोनों 9, ये क्या देते हैं? 3 0 माइनस अंतर कितने का?
चार का बटे 99 से 99 पूरा कट गया इसलिए 8, तो कोई मतलब नहीं लिखने का। सीधा आंसर 99896। ओके 99896। बोलो इजी है कि बहुत इजी है? बहुत आसानी से आप कर पा रहे हैं और बहुत मस्त तरीके से आप कर पा रहे हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं तो थोड़ा सा समझ में आएगा कि कहना क्या चाहता है। थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट किया करिए तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है। एक और देखते हैं, दिस वन विल द लास्ट। तो सम बड़ा आसान हो जाता है हम लोगों के लिए जब आप इसको करते हो, ठीक है ना? इसको नोट कर लिया होगा। चल देखिए, ये क्वेश्चन इसलिए आसान है क्योंकि आपको लगेगा कि यार कुछ हो रहा है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल ऐसे ही है। 1/7 ये क्या आंसर आएगा? अब लड़कों को घबराहट होने लगी, सर आपने और उसको कॉम्प्लेक्स कर दिया। आसान है सर, बिल्कुल वैसे ही करना है। सोचो 1/7 लिख दोगे या नहीं लिख दो? ये फ्रैक्शन तो वैसे ही था जैसे अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे, बस बदलाव यहाँ दिख रहा है और वो भी आपको नहीं दिखेगा। देखो ये क्या करते थे, एज इट इज नोट कर देते थे, नोट कर दो भाई। ये क्या करते थे, जीरो देते थे, आपने दे दिया जीरो। इनका अंतर कितने का है बोलो ना सर? एक का है। अब 99 से ये पूरा पूरा कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। कहाँ कट रहा है? 99 से पूरा तो नहीं कटेगा बट 7 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 7 बार कट किया तो कितनी बार आ गया? इसीलिए तो पहले से दे रखा था भाई, कटने के लिए तो दे रखा था कि आपका आंसर इजी हो जाए। 1/7 से 1/7 क्या हो गया? तो आंसर क्या आ गया? 99000, ये आपका आंसर हो गया। तो बहुत आसानी से आपने कर लिया और बहुत अच्छे से ये आपने निपटाया। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं और करनी है सबको। एक और क्वेश्चन ऐसे ही बिल्कुल 1/5 प्लस का 99 चलिए इसका आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। व्हाट विल बी द आंसर? ऐसे लड़के कह दे रहे हैं 99000 बोलो ना, क्योंकि उनको याद हो गया कि सर कट रहा है 5 बार। चलो एक बार करता हूँ मैं, ये 9 नोट कर लिया और ये आगे के 9 क्या देते हैं? 0 माइनस। अंतर कितने का है बेटे? 1 का। 99 से कट करो, कितनी बार कट होगा? 1/5 से 1/5 क्या हो गया और यहाँ से क्या आंसर आ गया? 99000। और आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। तो यही है सम ऑफ फ्रैक्शन, सम ऑफ फ्रैक्शन, और आसानी से आपने इस बात को समझ लिया होगा। जरूर देखा करें वीडियो को लास्ट तक और कमेंट करके ज़रूर बताया करें, इससे एक टीचर का हौसला बढ़ता है। इसमें कुछ जाता नहीं है किसी का, और जितना ज़्यादा आप अच्छे से काम करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।